दोस्तों नमस्कार, आप स्टॉक मैटर्स पर ये वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो हम एक सोलर कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ में देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग को ही देख लेते हैं। और यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग देखिए 56.90 का बना हुआ है, जो कि बिल्कुल सेम अभी तक भी बना हुआ है। यहाँ पर मार्च 2021 तक का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग अभी कोई भी चेंज प्रमोटर होल्डिंग में नहीं हुआ, तो ये एक अच्छी बात इस कंपनी के बारे में कही जा सकती है। यहाँ पर FIIs की होल्डिंग नहीं है, इसके अलावा DIIs यहाँ पर लगभग 1.31 की होल्डिंग लिए हुए बैठे हैं, और पब्लिक यहाँ पर 41.79% की जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है। तो यहाँ पब्लिक होल्डिंग अगर देखेंगे जून 2018 में, उसके बाद लगातार पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और अब जो लास्ट यहाँ पर अपडेटेड है उसके अनुसार 41.79% की पब्लिक होल्डिंग। तो ये हम एक सोलर कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, और क्या ये कंपनी मल्टीबैगर बन सकती है आने वाले समय में, क्या ये 100-200 रुपए तक इसकी प्राइस जा सकती है। फिलहाल काफ़ी अच्छी रेट पर आपके लिए अवेलेबल है, और यहाँ पर रोज़ रोज़ अपर सर्किट देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ हम इसके मेन पेज पे आ जाते हैं स्क्रीनर के, और यहाँ पर मार्केट कैप हमें 234 करोड़ का देखने को मिल रहा है। पिछले 3 सालों का जो रिटर्न है 49.1% का अभी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अर्निंग पर शेयर अभी भी माइनस में ही है, 5 ईयर का रिटर्न 1.49 और प्रमोटर होल्डिंग 56.9 का अभी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें कंपनी पर डेट की, तो यहाँ पर 829 करोड़ का हमें कंपनी पर डेट नज़र आता है। फेस वैल्यू कंपनी की 10 रुपये है, और फिलहाल जो करंट प्राइस चल रहा है 6.30 का चल रहा है। इसमें डेली अपर सर्किट लग रहे हैं, और कंपनी का जो लो प्राइस है 52 वीक लो 1.55 का रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इंडो सोलर आपने शायद बाय भी कर रखा होगा। इंडो सोलर ये सोलर फोटोवोल्टिक जो सेल्स होते हैं और जो मॉड्यूल्स होते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो कंपनी फ्यूचर में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में आ सकती है। और उसके बाद इसका जो शेयर प्राइस है, जो अभी रेट चल रहा है 6 रुपये का, ये आपको नहीं मिलने वाला। कंपनी 100-200 रुपये 300 रुपये तक कहीं भी जा सकती है, अभी हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन फिलहाल एक अच्छी रेट पर आपको मिल रहा है, और एक अच्छा मल्टीबैगर ये शेयर हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके एनालिसिस पे हम आ जाते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए, पीयर कंपैरिजन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हैवेल्स इंडिया और ये सारी कंपनी आपको देखने को मिल रही है, जहाँ पर सीजी पावर भी है और BHEL भी यहाँ पर है। तो यहाँ हम इसके सीधे क्वार्टर्स में ही चलते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ हालांकि अपडेटेड नहीं है, क्वार्टर्स में मार्च 2020 तक का ही अपडेटेड हमें नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ भी देखिए कुछ डाटा अवेलेबल नहीं है, और लगभग कंपनी क्योंकि लॉस में ही चल रही है फिलहाल, तो कंपनी लॉस में ही है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ भी आपको कुछ नज़र नहीं आएगा क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर अपडेट नहीं किया है, और काफ़ी सारा यहाँ पर हमें लॉस ही नज़र आ रहा है फिलहाल। लेकिन आने वाले समय में इस शेयर से हम बहुत ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स तो हम देख ही चुके हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो बात कर ही चुके हैं। सबसे पहले अब इसके NSE वाले पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए इंडो सोलर लिमिटेड आपको नज़र आ रहा है, और इसका अगर आप देखेंगे 52 वीक लो 1.50 का, और अभी ये अपने ऑलमोस्ट 52 वीक हाई प्राइस पे ही ट्रेड कर रहा है 6.30 पे। यहाँ पे देखिए बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है 6.30 की प्राइस पर, और 3.5 लाख से ऊपर की यहाँ पर क्वांटिटीज़ में ये बाइंग ऑर्डर दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप क्या गलती करने वाले हैं, यहाँ पर स्टॉक जब 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये या फिर 50 रुपये से ऊपर ट्राइडेंट की तरह जब जाएगा, उसके बाद आप बाई करने जाएंगे। तो फिलहाल देखिए एक अच्छी रेट पर और बहुत ही अच्छी रेट पर आपको मिल रहा है, यहाँ से ये शेयर बहुत ही अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं इसके चार्ट पैटर्न पे आ जाते हैं। इसका चार्ट पैटर्न अगर देखेंगे तो देखिए आप, पिछले 5 दिनों में यहाँ पर बिल्कुल अपर सर्किट पे ही नज़र आ रही कंपनी, और यहाँ पर देखिए ये एक गिरावट हुई थी 3.10 रुपये के बाद भी यहाँ पर लगातार अपर सर्किट ही इसमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा पिछले 6 महीनों की बात करें तो 75% का रिटर्न नज़र आता है, और 1 ईयर का रिटर्न देखिए लगभग 281% से भी ऊपर का रिटर्न आपको यहाँ पर कंपनी ने दिया है। पिछले 5 सालों की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई रिटर्न नहीं दिया है पिछले 5 सालों में, और कंपनी का पिछले 5 सालों का जो लगभग हाई बन रहा है वो 12 रुपये के आसपास का यहाँ पर हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो इसका जो मैक्सिमम हाई है 27 यानी लगभग 30 के आसपास हम कह सकते हैं। तो ये कंपनी अगर 30 तक भी जाती है, 30 रुपये तक भी जाती है अगर इसकी प्राइस, तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न यहाँ से देखने को मिल सकता है।
तो फिलहाल लगभग आप 1000 क्वांटिटी तक यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। ये जो वीडियो है सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, यहाँ पर बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर जो कि गलती करने वाले हैं, आने वाले समय में हो सकता है आप इसको बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पर बाय कर लेंगे, आप 40 रुपये 50 रुपये ट्राइडेंट की तरह, और उसके बाद जब भी स्टॉक नीचे आने लगेगा तो आप इसको सेल करने में लगे रहेंगे। तो ऐसी गलती अभी आपको नहीं करनी है, और यहाँ पर आपको फिलहाल बाइंग का मौका मिलने वाला नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्वांटिटी का ऑर्डर लगा हुआ है फिलहाल, और आपके लिए हो सकता है किसी दिन इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग हो और गिरावट आए, उस टाइम आप इसको बाय कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा मल्टीबैगर शेयर आपके लिए साबित हो सकता है फ्यूचर में, और इसकी जो प्राइस है 50 रुपये से ऊपर या उससे ज़्यादा भी जा सकती है। और देखिए लगभग क्योंकि अभी जो सोलर की डिमांड है काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, तो कंपनी अगर फ्यूचर में प्रॉफिट में आती तो कंपनी का 100 रुपये से ऊपर भी प्राइस जा सकता है, उसका हम कुछ अभी कह नहीं सकते, लेकिन ये हमें लगता है कि कंपनी निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रॉफिट में आ जाएगी, और उसके बाद आपको जो रिटर्न मिलेगा प्रॉफिट में आने के बाद वो आप भी आइडिया नहीं लगा सकते हैं। तो फिलहाल आप यहां से बाइंग कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और आप यहां पर थोड़ा बहुत रिस्क 1000 क्वांटिटी तक ले ही सकते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब।